उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि 50,000 रुपये के लेन देन को लेकर युवक की हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल एक स्विफ्ट कार और एक चाकू बरामद किया है। तीन आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। देखिए 24 अगस्त को हमें वन विभाग टाटा नगर से एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव वहाँ पे रोड के किनारे पड़ी हुई है, तो इसमें हमने तुरंत शिनाख्त के लिए काफ़ी टीमें प्रयासरत थी और अलग अलग जनपद में गए राज्य में भी जाके इनकी शिनाख्त के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी का नतीजा ये मिला कि हमें दिनांक 28/8 को मृतक के भाई, मृतक यशवंत गौड़ थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का निवासी है, इसके भाई द्वारा आके सूचना गई कि ये शिनाख्त की गई और उसी के द्वारा आशंका जताई गई कि कुछ तीन लोग हैं जिनके द्वारा इनकी हत्या का उसको पूरा अंदेशा है। तो इसी क्रम में हमने तुरंत FIR इसमें पंजीकृत की थी 302 और 201 धारा।